सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, अगर आप इस तरीके का व्हाट्सअप स्टेटस वीडियोस बनाना चाहते हैं काइन मास्टर की मदद से, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो और आपको भी यह वीडियो पूरा समझ में आ पाए। सुबह चलिए हम लोग इस तरह का एडिटिंग वीडियो सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, फुल स्क्रीन वाला। सो फ्रेंड्स, आप पहुंच जाएंगे अपने एडिटिंग स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से जो है फ्रेंड्स, आपको इमेज वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ से पिंटरेस्ट इमेज वगैरह मैं डाउनलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपके लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा इसका लिंक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए मैं यहाँ से लगा लेता हूँ ये सारा इमेज वगैरह। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी जल्दी से मैं इमेज यहाँ पे ले लिया। तो इमेज के लेने के बाद सबसे पहले हमने इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट इमेज पे आ जाइएगा, आने के बाद आपको इसके क्रॉपिंग के ऑप्शन पे आ करके और ये जो है इसको यहाँ पे बीच वाला एक क्लिक कर देंगे तो ये इमेज जो है जूम इन और आउट इन नहीं होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जूम इन हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये क्रॉपिंग में आना है, फिर इस पर क्लिक कर देना है। सो सभी इमेज को आपको ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। चलिए जल्दी जल्दी से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के स्टेटस वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है इसके ट्रांजिशन इफेक्ट बॉक्स पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बता देता हूँ आपको। अपने मोबाइल का इंटरनेट खोल करके गेट मोड में जाना है और वहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट दिख जाएगा फोटो गैलरी का। सो फ्रेंड्स, आपको इस फोटो गैलरी का ट्रांजिशन इफेक्ट जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो काफी कूल आपका स्टेटस वीडियोज लगने लगेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलिए सभी में अपना ट्रांजिशन इफेक्ट फिट कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की एडिटिंग वीडियो सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी मतलब एडिटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कि ये इस एडिटिंग को मुझे चाहिए, तो मैं बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं जल्दी जल्दी से सभी को एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, लेयर के ऑप्शन पे जाना है, फिर मीडिया पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक डाउनलोड कर लेगा, वो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो लाइट इफेक्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको इसके स्क्रीन में आ जाना है, और पूरा फुल स्क्रीन करने के बाद आपको जो है इसके यहाँ पे ब्लेंडिंग के आ करके स्क्रीन कर देना है। सो फ्रेंड्स, इस यह जो चीज़ है यह आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, तो जरूर से इसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं एक्सपोर्ट कर लिया हूँ, और फिर मैं बैक आ जाता हूँ क्योंकि मैं पहले से यह वीडियो सेव किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फिर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके 9:16 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर मीडिया पे आ जाइएगा। मीडिया पे आने के बाद आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, और वो पहले वाला वीडियो ले लेना है जो आपने वीडियो सेव किया था, अभी अभी जो आपने जस्ट सेव किया था इस तरह का वीडियो, तो वो आपको यह वीडियो यहाँ पे ले लेना है। ओके फ्रेंड्स, लेने के बाद आपको सबसे पहले इस पे यहाँ पे आ जाना है, लेयर पे। लेयर पे आने के बाद आपको इफेक्ट पे आ जाना है, यहाँ पे बेसिक इफेक्ट पे आ जाएगा, फिर गैजुअल ब्लर करके और इसको जहाँ से ओके कर दिए, फिर सेटिंग में आकर के इसको यहाँ पे आपको इसको 5 कर देना है। ओके, गैजुअल ब्लर इसका 5 रखिए। रखने के बाद आपको इसको पूरा फुल स्टेटस में कर देना है इस तरह से खींच करके। करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर इसके ऊपर वाला पे आ जाना है। ऊपर वाले वीडियो पे आने के बाद आपको इसके 3 डॉट पे आकर के डुप्लीकेट लेयर कर देना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट ऐसे कर लेना है, ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा। करने के बाद आपको फिर लेयर के आ जाना है ऑप्शन पे, फिर मीडिया पे आ जाइएगा। आने के बाद एक और आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को फिर से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह का वो वीडियो रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आने के बाद आपको फिर इसके जो है स्क्रीन स्प्लिट में आ जाना है, और इसको भी पूरा फुल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आ जाना है, फिर यहाँ से जो है आपको इसको भी यहाँ से स्क्रीन कर दीजिएगा। स्क्रीन कर देता हूँ, चलिए मैं जल्दी से स्क्रीन कर दिया मैंने। स्क्रीन करने के बाद इस जो है ऊपर वाले जो आपने डुप्लीकेट लेयर कर लिया था उस पर आ जाइएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा। यहाँ से एडजस्ट कर लिया मैंने। एडजस्ट करने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह का आपका स्टेटस वीडियो जो लगने लगेगा कुछ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले फिर आपको लेयर के ऑप्शन पे आ जाना है, फिर मीडिया पे आ जाइएगा। आने के बाद आपको जो है एक यहाँ पे बॉर्डर का इमेज मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसके ब्लेंड
ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है, स्क्रीन कर दीजिएगा। स्क्रीन करने बाद फ्रेंड्स आपको इसके जो है यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे आना है, पूरा फुल स्क्रीन कर दीजिएगा और इसको पूरा फुल यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा स्टेटस में। तो कोई भी काम आधा अधूरा मत कीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छे से वीडियो देखेंगे तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा। होने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, फिर लेयर के ऑप्शन पे आ जाना है, फिर मीडिया पे आपको ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग आपको यूट्यूब पर जाना है, आई मूवी ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग लिख देना है और डाउनलोड कर लेना है। कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप गाना लगाएंगे तो आपका स्टेटस वीडियोज में काफी अच्छा लुक देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बार बार कहता हूँ यही चीज की आप यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए, हर बार की तरह कोई भी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपको जो है इसी में स्टेटस में ही अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है ऐसे तिरछा उरछा करके, और यहाँ पे फिर आपको इसके यहाँ पे क्रोपिंग क्रोमा की में आ जाना है, सॉरी क्रोपिंग बोल दिया, तो क्रोमा की में आ जाइएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इस तरह का आपका स्टेटस वीडियो लगने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा यार, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। और दोस्तों अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करिए अभी न मत दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।